तो ये ए बी सी डी ई एफ आप याद रखिए, आपको पूरा टॉपिक याद रहेगा। ओके, कल आपको मैं बताया था एक फॉर्मूला क्या है, ए बैड बॉडी, ठीक है ना, उसमें आप पूरा याद रख सकते हैं कल का टॉपिक। तो आज जनरली ए बी सी डी ई एफ स्पिरिचुअलिटी का ए बी सी डी है जो कि हमने आज सीखा है। इट्स लाइक दैट। अभी क्वेश्चन आएगा, कैन यू शो मी ओनली देन बिलीव इन गॉड, आप दिखा सकते हैं क्या, उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, भगवान को विश्वास करूँगा। कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं यहाँ पर, रेज योर हैंड। हाँ, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो भगवान को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आँख बंद करना पड़ेगा और कान खुला रखना पड़ेगा, उसके द्वारा भगवान को देख सकते हैं। कैसे, ये फैन चल रहा है, तो फैन अपने आप चल रहा है, या फैन चलने के पीछे क्या है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, प्रभाव है। ये प्रभाव के पीछे क्या है, एक कारण है, दैट इज एग्जैक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते नहीं है, ये फैन चलता है उसको देखकर समझ में आ जाता है कि इसके पीछे निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे कोई तीर आपको लगा तो अपने आप तीर चलता है, लेकिन देर मस्ट बी ए बाव मैन, उसके पीछे एक तीर चलाने वाला व्यक्ति रहता है। कोई पपेट्स देखते हैं तो पपेट्स नाचते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उसको नचाने के लिए कोई रहता है। तो ये सब ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जनरल क्या है, इफेक्ट है, प्रभाव है, और उस प्रभाव को देखकर कॉज को हमें समझ जाना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। इलेक्ट्रिसिटी को आप देख नहीं सकते हैं। जब पपेट शो चलता है, एनिमेशन चल रहा है ना, एनिमेशन में साउंड है, तो कैसे साउंड आता है, आप बोलते हो एनिमेशन में जो कार्टून है वो बोल रहा है, उसी को से कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो कॉज को, इफेक्ट को देख के हमें कॉज समझ में आना अत्यंत आवश्यकता है। देयरफॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इफेक्ट प्रूव्स दैट देयर मस्ट बी ए कॉज। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, इफेक्ट है, और कॉज कौन है, भगवान है। ये इफेक्ट को देखकर हमें समझ में आना चाहिए, देयर मस्ट बी ए कॉज। एक बार क्या हुआ, भारत में एक साइंटिस्ट आए और गांव में घूम रहे थे, अचानक देख रहे हैं गांव का खेती में बुफला का प्लांट है। बुफला मतलब क्या है, पम्पकिन। तो पम्पकिन का प्लांट है और पम्पकिन इतने बड़े बड़े होता है, और साइंटिस्ट देखकर सोचा कि यार ये भगवान का दिमाग नहीं है, इतना छोटा सा प्लांट है, उसका स्टेम नाजुक है, पत्ते भी नाजुक है, अपने आप खड़ा नहीं हो पाता है, और उसके भीतर इतना बड़ा बुफला रखा है, पम्पकिन रखा है, जिसका वजन क्या 20-30-40 के जी है, भगवान का दिमाग नहीं। इसे सोचकर आगे बढ़ गया, अचानक एक बट वृक्ष देख रहा है, इतना बड़ा बट वृक्ष है, बड़े बड़े स्टेम है कि नहीं, और उसका जो फल क्या है, इतना छोटा सा है, बोला सचमुच भगवान का दिमाग नहीं, इधर बुफला का रहना चाहिए था फ्रूट, और वहाँ पे क्या रहना चाहिए था, ये छोटा वाला फ्रूट रहना चाहिए था। इस प्रकार वो विचार किया, थोड़ा थक गया था, सो गया, अचानक एक बट वृक्ष का जो फल रहता है उसके आँख के ऊपर गिर गया, आँख खुला देखा और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर बुफला जैसे फ्रूट नहीं रखा है, ये बुफला जैसे फ्रूट रखता था तो क्या होता था, मैं अभी यमलोक में होता था। तो इसीलिए आप क्या है, बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी भगवान ने बनाया है परफेक्ट बनाया है। आप देखेंगे हमारा शरीर में सेल है, क्रोमोजम है, जीन है, डीएनए है, आरएनए है। इस प्रकार कहा जाता है डीएनए का जो लेंथ है ना, जितने भी डीएनए सबका जो लेंथ है ना, उस लेंथ को जनरल क्या किया जाता है, किया जा सकता है सूर्य के चारों ओर मोर देन 45,000 से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा राउंड बना जा सकता है, मोर देन दैट, एग्जैक्टली मैं भूल गया, बट दैट इज द एक्चुअल डीएनए, एक शरीर के भीतर है। तो एक एक डीएनए, एक एक आरएनए क्या करते हैं, हमें क्वालिटी देते हैं, थॉट्स देते हैं, आइडियाज देते हैं, हमारे नेचर बनाते हैं, अपने आप हो गया। इस इफेक्ट को हमें समझना चाहिए। भगवान ने इस शरीर जो ब्रेन को बनाया है, इस प्रकार साइंटिस्ट लोग कहते हैं द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इन द यूनिवर्स इज ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे बड़ा पावरफुल जो कंप्यूटर है ह्यूमन ब्रेन है। द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। जितने भी डेटा है मनुष्य के शरीर के भीतर, ब्रेन के भीतर हो रह सकता है, और रहे भी, हम लोग रिट्रीव नहीं कर पाते, ये हमारा प्रॉब्लम है। जैसे आपके पास, आपके पास 1000 GB का हार्ड डिस्क रहेगा, उसमें बहुत सारा डेटा हो सकता है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि किधर क्या है डेटा। तो वैसे ही ह्यूमन ब्रेन में सब कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार कहा जाता है द ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ
ऑफ ए ट्रिलियन ब्रेन सेल्स एंड ईच वन ऑफ दीज इज मोर पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड देन मोस्ट कंप्यूटर अराउंड द प्लैनेट टुडे. दैट इज अगेन डॉक्टर टोनी वजल. तो दिस इज एक्चुअली ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट. तो साइंटिस्ट लोगों का ये ओपिनियन है. तो आप सोचिए कंप्यूटर बनाने के पीछे ब्रेन है, हम बोलते स्मार्टफोन है, रोबोट है, क्या साइंटिस्ट ने एडवांस कर लिया है, लेकिन हम अपने आप को कभी स्टडी किया है? भगवान ने जनरली मनुष्य बनाया और साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया? रोबोट बनाया, सिर्फ मनुष्य को देख के. रोबोट का जितने भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे मनुष्य को जनरली स्टडी करके ही बनाया गया. देयरफॉर बाय सीइंग द इफेक्ट, ये इफेक्ट प्रभाव को देख के कारण हम समझ सकते हैं. तो हु मेड द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ दिस इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन? द एक्सपीरियंस ऑफ इफेक्ट प्रूव्स दैट देयर मस्ट बी ए कॉज. ये प्रभाव देख के हम क्या लगाना चाहिए, कुछ तो कॉज है. आपके घर के मान लो भीतर आपका विंडो तोड़ के फूट गया आपका विंडो और पत्थर आ गया आपका सर पे लग गया और सर पे लगकर आप पत्थर से आपका खून निकल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? ये पत्थर कहाँ से आया, ये पत्थर कैसा है, ये हीरे का पत्थर है या जनरल पत्थर है या गोल्डन स्टोन है, ऐसे सोचेंगे हम? पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? फेंका कौन है, उसको पकड़ो. वैसे नहीं, प्रभाव इसका कहाँ से आया है. तो वैसे संसार में इतना प्रभाव हम देख रहे हैं लेकिन कभी क्वेश्चन ही नहीं कुछ. तो इस प्रकार कहा जाता है जो सैटेलाइट को मॉनिटरिंग करने के लिए साइंटिस्ट लोग रहते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 या 3 2 हाँ ऊपर गया था, उसको जनरली उसको कंट्रोल करने के लिए लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा देख रहे थे. अचानक गायब हो गया, आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गया है करके. लेकिन भगवान ने इतने सारे प्लैनेट्स अनंत काल से क्या कर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, यूनिवर्स में घूम रहे हैं. कभी भी ऐसा पता नहीं चला कि अभी बृहस्पति किधर है पता नहीं, धरती कहाँ पे गायब हो गया है, धरती और मंगल के बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है. इस प्रकार हम सुने नहीं सुने, सब लोग अपने ऑर्बिट में जनरली अधिक स्पीड में घूमते हैं लेकिन जनरली अभी तक वही ऑर्बिट में घूम रहे हैं. तो इस प्रकार कहा जाता है कि सूर्य का पोजीशन और धरती का पोजीशन इतना एक्यूरेसी है इसका कि धरती मान लो 1 मिली माइक्रोन थोड़ा आगे आ जाता है तो धरती क्या हो जाएगा, जल जाएगा. और इस 1 मिली माइक्रोन सेंटीमीटर पीछे आ जाता है तो क्या हो जाता है, धरती बर्फ बन जाएगा. तो उस ऑर्बिट में जो रखा है कोई अपने आप रह गया. तो ये प्रभाव को देख के हमें समझ में आना चाहिए देयर मस्ट बी ए ब्रेन बिहाइंड दिस क्रिएशन. तो हु कंट्रोल्स दिस ट्रैफिक? अर्थ का मास है 6 × 10^21 मेट्रिक टन. स्पीड अराउंड द सन इज 106,000 किलोमीटर पर आवर. इतना स्पीड में घूमता है लेकिन आज तक कभी भी क्या है, एक्सीडेंट कहाँ पर भी हुआ नहीं. तो हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक? नासा? नो. एग्जैक्टली द ट्रैफिक कंट्रोल इज बाय गॉड, भगवान के द्वारा कंट्रोल होता है. तो आइंस्टाइन कहते हैं देयर इज परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉस. अल्बर्ट आइंस्टाइन. केल्विन कहते हैं इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड. तो साइंटिस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जो कि क्या करते हैं, भगवान को विश्वास करते हैं. स्टीफन हॉकिंग कौन सुना है नाम? हाँ. तो ये साइंटिस्ट जो कि एथिस्ट है, नास्तिक है, भगवान नहीं करके वो मानता है. लेकिन कितना दुर्भाग्य आप देखो, उसको ठीक से दिखता नहीं, ठीक से चल नहीं पाता है, ठीक से बोल नहीं पाता है, बॉडी पूरा वीक है कि नहीं, खाने में भी प्रॉब्लम है बट उसका ब्रेन चल रहा है. इतने सब पेनफुल सिचुएशन में होकर भी वो समझ नहीं पाता है कि मुझे ये पेन क्यों मिल रहा है. क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि बाकी लोग स्वस्थ है लेकिन मैं इतना पेनफुल कंडीशन में क्यों है. बट इतना नास्तिक है, इतने प्रकार की प्रॉब्लम होने के पश्चात भी लोग भगवान को रियलाइज नहीं कर पाते. एक बार सर आइज़ैक न्यूटन एक बार एक दोस्त को बोलते हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है ना समुद्र के किनारे में जो सिप्पा रहता है ना उसके जैसे, और भगवान की जो इंटेलिजेंस है ना समुद्र जैसे. दैट इज एक्चुअली गॉड्स क्रिएशन. और सिप्पा कभी भी समझ नहीं सकता है कि भगवान का इंटेलिजेंस क्या है. और एक सुंदर एक मॉडल वो बनाए थे, यूनिवर्सल मॉडल, और उसको देखकर उनका दोस्त खुश हो गए, क्या जबरदस्त मॉडल बनाए. तो न्यूटन ने कहा कि मैंने नहीं बनाया ये, जनरली अपने आप प्रकट हो गए. मैं रात को सोया था, सोच रहा था यूनिवर्स के बारे में, सुबह उठा तो टेबल के ऊपर है ये, है कि नहीं? तो ऐसा है नहीं,
तो न्यूटन ने कहा कि ये जो यूनिवर्सल मॉडल है उसके उसको बनाने के लिए ब्रेन की आवश्यकता है, और पूरा यूनिवर्स बनाने के लिए ब्रेन की आवश्यकता नहीं, देयर मस्ट बी ग्रेटर ब्रेन। उस ब्रेन को हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। अंत में एक एग्जाम्पल देता, तो ये सब सुनने के पश्चात भी लोग क्या करते हैं, भगवान को विश्वास नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे। तो एक बार एक साइंटिस्ट था, उसको रिसर्च करना था कि कॉकरोच को कभी सुनाई नहीं देता है, उसको समझना था, इसलिए कॉकरोच को लिया। कॉकरोच का 6 पैर रहता है, और 6 पैर में से एक पैर को निकाल दिया, कॉकरोच को बोला चलो, तो कॉकरोच चलने लगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा इसको सुनाई दे रहा है, 2 पैर निकाल दिया बोला चलो, तो धीरे धीरे चलने लगा, इसको सुनाई दे रहा है। 4 पैर निकाल दिया बोला चलो, फिर थोड़ा चला, हाँ सुनाई दे रहा है। 6 का 6 पैर निकाल दिया बोला चलो, कॉकरोच चला ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या दिया कि कॉकरोच का 6 का 6 पैर निकाल देते हैं तो कॉकरोच को सुनाई नहीं देता है। ऐसा है नहीं, कॉकरोच को सुनाई देता है, उसका पैर नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का दिमाग इसको समझ में नहीं आता है। तो वैसे संसार में इतने सारे चीज आराम से हो रहा है, ठीक से हो रहा है, डेली हो रहा है, और जिसके कारण हम जीवित हैं, इतने प्रभाव हम देख रहे हैं, फिर भी क्या बोलते हैं, भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है, दूध है इसलिए गाय है, दूध है इसलिए गाय है नहीं, गाय है इसलिए दूध है, फल है इसलिए पेड़ है नहीं, पेड़ है इसलिए फल है, पुत्र है इसलिए पिता है नहीं, पिता है इसलिए पुत्र है, संसार है इसलिए भगवान है नहीं, भगवान है इसलिए संसार है। इस सिंपल लॉजिक को हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे पीछे आप लोगों को, मत अपरतरम न अन्यम् किंचिदस्ति धनंजयम् मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रेमाणि गणाइव। तो भगवान कहते हैं मत परतरम न अन्यम् किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, और मैं कैसे रहता हूं, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रेमाणि गणाइव। जिस प्रकार मणि धागा के आश्रय लेकर उठा हुआ रहता है, तो ठीक उसी प्रकार वो संसार मेरे आश्रय लेकर ठीक ठाक चल रहा है। संसार का जो व्यवस्था है वो मेरे शक्ति के कारण है। जिस प्रकार धागा को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन गुथा हुआ मणि का हार को देख सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार संसार का व्यवस्थित को देखकर, संसार का अरेंजमेंट को देखकर, क्रिया निर्माण को देखकर, आर्ट को देखकर, शक्ति को देखकर, ये हमें पता होना चाहिए, डिजाइन को देखकर ये हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, एक शक्ति है। और ये क्लैरिटी जब हमारे पास आता है, जनरली भगवान को इसलिए हम मानते नहीं है कि भगवान मेरा इच्छा पूर्ति कर लेंगे, या भगवान मेरा इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे इसलिए भगवान नहीं है, इच्छा पूर्ति कर लेंगे इसलिए भगवान है, ये जनरली क्या है, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। बट रियल अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार संसार को ही देखेंगे, इतना बड़ा प्रूफ है, बोलते ना भगवान है करके प्रमाण दिखा, प्रमाण स्वयं है, प्रमाण पूरा यूनिवर्स है, संसार में जो कुछ दिख रहा है आपने नहीं बनाया, और आपने जो नहीं बनाया वही तो बनाया, उसको जनरली भगवान कहते। इतना बड़ा प्रूफ होने के पश्चात भी लोग कहते हैं भगवान नहीं है, बट ये सबको देख हमें भगवान को ग्रहण करना चाहिए, और भगवान को देखने के लिए एक प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। हम अपना चेतना में जनरली क्या भगवान को देख सकते हैं, कोई अंधा बोलेगा सूर्य नहीं है इसका अर्थ नहीं है, मुझे सूर्य दिखाओ, तो ये क्वेश्चन पूछने से पहले अंधे को हम क्या बोलेंगे, पहले तो आंख का ऑपरेशन करो, पहले तो आपके पास आंख होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए सूर्य को देखने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार हम सब क्या कहते हैं, भगवान नहीं है, लेकिन हमारे पास अधिकार है क्या, तो अधिकार क्या है, शुद्ध चेतना। जैसे ब्लाइंड आए सूर्य को नहीं देख सकता है, तो ठीक उसी प्रकार अशुद्ध चेतना, मलिन चेतना भगवान को नहीं देख सकता है। इसीलिए शास्त्र कहता है हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में हरिनाम के द्वारा आपका जो मलिन चेतना है,
हमारा जो अशुद्ध चेतना है हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। और ये हमारा अधिकार है, क्वालिफिकेशन है, आई है, आंख है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। इसलिए पहला अधिकार प्राप्त होना चाहिए, बाद में आपको क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, बाद में आप कुछ कार्य कर सकते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। इसलिए भक्ति हमें प्रैक्टिस करना है। तो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होता है तो चित्त शांत रहता है, लोग संतोष में रहते हैं, हैंकरिंग कम हो जाता है, कलह कम होता है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए आप लोग हमें रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट भगवान कृष्ण का नाम, और ये जो हरे नाम है वही केवलम, कहा जाता है कि हरि नाम ही केवल, ओनली वे, बाकी कोई प्रोसेस नहीं। कहा जाता है कि सत्ययुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग हजार लाखों साल ध्यान करते थे, लेकिन हम हजार लाखों साल छोड़ दीजिए, 60 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, और भगवान को किधर देखेंगे। इसलिए कलयुग के लिए संभव नहीं। और हजार लाखों टाइम आप कर सकते हैं, लाखों ये जिंदा तो रहना चाहिए ना, उसे पहले हम मर जाएंगे तो कैसे करेंगे। आयु भी हमारे साथ नहीं, बॉडीली स्ट्रेंथ नहीं, मेमोरी पावर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। त्रेता युग में यज्ञ करते हुए भगवान को प्राप्त करते थे, जब भगवान राम थे यज्ञ करते थे, और यज्ञ का जो आग जलने के लिए मैचस्टिक से आग नहीं जलता था, ब्राह्मण मंत्र पढ़ता था, उसे अग्निदेव प्रकट होते थे और अग्निदेव आग प्रज्वलन करते थे, उसको ओरिजिनल यज्ञ कहते हैं। और उस यज्ञ में जब आप कार्य करते हैं आपका इच्छा पूर्ति होता है, और अंत में आपका मन भी साफ होता है, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हम यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ के लिए पहला चीज़ क्या चाहिए, घी चाहिए। मार्केट में घी है क्या, नहीं है। गाय कोई मार दे तो घी किधर मिले, खाने को नहीं मिलता है, यज्ञ में डालने के लिए किधर मिलेगा, है कि नहीं। और हमारे पास टाइम है, यज्ञ करने के लिए पहले कितने बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा, हम तो 3 बजे सोते हैं यज्ञ कैसे करेंगे। तो इसलिए यज्ञ करना भी संभव नहीं है, ये भी क्वालिटी हमारे पास नहीं। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान का अर्च विग्रह का सेवा किया जाता था, और उसके द्वारा भगवान कृष्ण और राम को लोग प्राप्त करते थे, मन को शुद्ध करते थे। लेकिन अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है, हम भगवान को अर्च विग्रह में जो नियम के अनुसार पूजा नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में भगवान कृपावश एक उपाय दिए हैं, एक सहज उपाय दिए हैं। जैसे कि पहले हम लोग स्टडी करते थे, हम 9th 10th में हम क्या करते थे, 9th और 10th दोनों सब्जेक्ट पढ़ते थे और 10th का बोर्ड पास होते थे। 12th में भी ऐसे 11th और 12th दोनों सब्जेक्ट पढ़ते थे और उसमें 12th का बोर्ड पास होते थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, अरे बच्चे लोग के पास दिमाग नहीं है, इसलिए 10th का 10th में पढ़ो, 12th का 12th में पढ़ो, ये जनरली सरकार ने बनाया। और सेम जनरल क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी भी सेम है और उसका जो वैल्यू भी सेम है। तो ठीक उसी प्रकार कलयुग का मन को देखकर, शरीर का स्थिति को देखकर जनरली भगवान ने इस महामंत्र को दिए। इसलिए आप लोग भगवान का नाम स्मरण कीजिए, एटलीस्ट घर पे आप एक माला जप कीजिए, जिसको माला चाहिए जप करना चाहते हैं, हमारा परमेश्वरी माता जी वहाँ पर, यहाँ पर हमारा प्रसन्न जी प्रभु भामरे प्रभु, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और बाकी भी डिवोटीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, थोड़ा डायरेक्शन लीजिए। आप प्रोग्राम में आए नहीं आए ये फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपना घर पे जनरल क्या करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो भक्ति कैसे स्टार्ट होता है, तो भक्ति जनरली आपका जीवन में जब 4 चीज़ जोड़ते हैं, आपको कुछ छोड़ना नहीं, आप जो जॉब पे है वो जॉब कीजिए, आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप करते रहिए। केवल 4 चीज़ आप जीवन में तोड़ देती है, क्या है, श्रवणम, भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करना। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवान का जब कथा हम श्रवण करते हैं क्या हो जाता है, हमारा जो अंदर अभद्र है, नेगेटिविटी है, मल है मन में, जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य और अनेक प्रकार का नेगेटिविटी, उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग में भागवत का श्रवण करना, कृष्ण का कथा सुनना, राम का कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए कलयुग में स्पेशलिटी आप देखेंगे, कलयुग एक टेक्नोलॉजी है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, श्रवण टेक्नोलॉजी, सुनना है आपको और पढ़ना भी है आपको। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहले आपने मान लो
गुरु के साथ मिलना है, कथा सुनना है, तो गुरुकुल में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप कथा सुनेंगे, आपका मन को शुद्ध करेंगे। लेकिन अभी आपके पास इंटरनेट है, उसके द्वारा भी आप उसका लाभ ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। श्रवण तो हमें इंटरनेट से तो सुनना है, उसके साथ साथ वीकली यहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं 8 से 9, 9:30 तक हम करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इसका लाभ भी ले सकते हैं। ये जनरली हमारा आपका भक्ति स्टार्ट होता है। सेकंड क्या है, स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण करना है। ये नाम में बहुत पावर है, लेकिन तो नाम से जनरली काम होता है। आप जाओगे कुछ कौन सा ऑफिस में और आप बोलोगे कि मोदी मेरे भाई हैं, तो क्या ऑफिसर बोलेगा, ठीक है ठीक काम हो गया तेरा चल, है कि नहीं। तो नाम से काम हो जाए, पावरफुल पर्सनैलिटी का जो नाम है उससे काम हो जाता है। वैसे भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि भगवान क्या करते हैं, जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र कल जप किया, एक कल हमने कीर्तन किए, आज थोड़ा हम जप करेंगे 5 मिनट, उसके बाद थोड़ा कीर्तन करेंगे। तो शास्त्र के अनुसार आपके जितना भी पाप है, हमारा जितना भी पाप है, सब मिट चुका है। अब बोल रहे ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है, आपके पास फेथ है, श्रद्धा है, तो ये है, श्रद्धा नहीं है तो ये नहीं है। तो ये श्रद्धा अत्यंत क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो श्रद्धा के साथ भगवान का नाम हमें स्मरण करना है, और उसके साथ साथ क्या है, तीसरा ऐसे है सेवा। कुछ सेवा हमें करना चाहिए, घर में भगवान का डीटी बनाकर, भगवान डीटी रखकर या मूर्ति रखकर या फोटो रखकर, छोटा सा अल्टरा आपके पास रहेगा क्योंकि सनातन परिवार में हम जन्म लिए हैं। जिसके पास नहीं भी है वो छोटा सा अल्टर रखिए और भगवान का फोटो रखिए, प्रतिदिन सुबह शाम भगवान को पूजा कीजिए। आप भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने में अक्षय में फ्रूट्स दीजिए आप, और भगवान का आरती कीजिए, थोड़ा जब सामने बैठ के जप कीजिए, स्मरण कीजिए। ये भगव विग्रह सेवा हुआ। विग्रह सेवा के साथ साथ क्या है, साधु सेवा। तो इसका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता है। तन मन धन से कुछ सेवा हम कर सकते, पूरा जो इसका नाम चल रहा है 800 सेंटर है, लाखों लाखों डिवोटी है, कोई तो व्यक्ति है जो कि क्या करते हैं, उसके लिए श्रमदान करते हैं, धनदान करते हैं, बुद्धिदान करते हैं, अपना स्किल एबिलिटी का दान करते हैं, जिसके द्वारा चलता है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, सेवा। और उसके साथ साथ क्या है, फोर्थ पॉइंट, सदाचार। सदाचार मतलब हमारा जो बिहेवियर है, गॉडली बिहेवियर होना चाहिए, रक्षा जैसे बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। और ये सुधरेगा कैसे, जब ये तीन चीज आप करते हैं, श्रवण, स्मरण और सेवा, तो अपने आप सदाचार आएगा। और भगवान को प्रार्थना भी करना चाहिए, मैं अपने सदाचार को बढ़ाना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार भाव से जब हम भक्ति करते हैं, ये चार जो जीवन में जोड़ देते हैं, दैट इज एग्जैक्टली भक्ति, और कुछ नहीं। भक्ति क्या है इतना समझने की आवश्यकता नहीं। यू एड दिस फोर थिंग्स इन योर लाइफ और आपका जीवन क्या बन जाता है, भक्तिमय बन जाता है। तो धीरे धीरे बाकी सब आप जनरल क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो थैंक यू वेरी मच।